नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दी है। योगी आदित्यनाथ ने यह चेतावनी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को दी है। दरअसल इन दिनों लखनऊ से अलकायदा के आतंकियों की गिरफ्तारी और धर्मांतरण के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में विरोधियों को करारा जवाब देते हुए सीएम योगी ने साफ कह दिया कि राज्य की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने सख्त एक्शन और अपराधियों पर तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ हमेशा अपराधियों पर शिकंजा कसते रहते हैं और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। दरअसल हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने वाली दो घटनाओं का पर्दाफाश हुआ है। एक तरफ मुखबधिर बच्चों के धर्मांतरण गिरोह का खुलासा, तो वहीं दूसरी तरफ अलकायदा के दो आतंकियों का पर्दाफाश। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि यूपी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। साथ ही कहा कि विकास की योजनाएं तभी सार्थक है जब सभी लोग सुरक्षित रहें। सरकार प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को किसी भी सूरत में छूट नहीं दी जा सकती, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने लखनऊ में पकड़े गए दो संदिग्धों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान परस्त आतंकियों के साथ मिलकर आजादी के जश्न में खलल डालने की साजिश रची जा रही थी। ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी लोगों की सजगता से मिली सूचना पर सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें बेपर्दा कर दिया। बारूद का जखीरा, बम और अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। समय रहते ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में क्या हो रहा है, जनता की सजगता से इसे जाना जा सकता है और जानकारी पर समय रहते राष्ट्र विरोधी तत्वों के मसूबे को ध्वस्त भी किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता से निरंतर संवाद बनाए रखने में पार्षदों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें आपको, योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बात कही। गोरखपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने 94 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस खास मौके पर कहा कि हम सभी को विकास के साथ ही सुरक्षा के प्रति लगातार सजग रहना होगा। सुरक्षा के प्रति थोड़ी सी सजगता से कई लोगों का जीवन सुरक्षित किया जा सकता है। तो योगी आदित्यनाथ ने यह साफ समझा दिया है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही खिलवाड़ करने वालों को भारी कीमत चुकानी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी